हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश। आप देख रहे हैं एशियन टेक्नोलॉजी। इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि इससे पहले हमने क्या किया था कि यार इंडेक्सिंग के यूज करके किसी फ्यू कैरेक्टर को मैंने फिल करवाया था, तो इस पे आज हम यूज करने जा रहे हैं स्लैशिंग। ये स्लैशिंग क्या चीज़ है मैं आपको बताने से बेहतर समझता हूँ कि आपको समझा एग्जाम्पल दिखाऊँ तो आपको समझ बेहतर तरीके से आएगा। ये मेरा मेरा मतलब तजुर्बा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बनाता हूँ एक फाइल यहाँ पे और लिखता हूँ स्लैशिंग डॉट पी वाई। अब मैं इसको ओपन कर लूँगा यहाँ से आके न्यू फाइल पे जाके ओपन फाइल। अब स्लैशिंग कहाँ पे है भाई? तू यहाँ पे है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्लैशिंग। स्लैशिंग क्या होता है ना कि जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बनाया था वेरिएबल और बनाया था राजेश, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इंडेक्स है ना। तो इंडेक्स पे क्या हो रहा था कि आपको कोई एक कैरेक्टर आप प्रिंट करवा पा रहे थे वहाँ से वहाँ पे। लेकिन अगर क्या बात हो कि आप अगर दो तीन करवा लें तो क्या मज़ा आ जाए, है ना। तो उसे बोलते हैं स्लैशिंग। उसे स्लैशिंग यूज करते हैं आप कि यार किसी दो आप करवा लो। जैसे कि मेरा नाम फुल नेम राजेश है, अगर मुझे मेरा पेट नेम चाहिए तो आपको राज हो जाएगा। तो आपको राज किस तरीके से आप प्रिंट करवा सकते हैं उसे बोला था स्लैशिंग। किस तरीके से हम यूज करें और उसको आर आउटपुट दिखाएं तो ये होता है राज आउटपुट दिखाएं, वो होता है स्लैशिंग। अगर आपको एक ही करना है प्रिंट या कि आउटपुट दिखाना है उसे, तो आप इंडेक्स को यूज़ कर लो। लेकिन आप अगर आपको एक से दो तीन दिखाना है तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, आप स्लैशिंग यूज करोगे। और स्लैशिंग भी इंडेक्स की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सिंटेक्स फर्क हो जाता है बस। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम करते हैं। तो पहले चलो मैं प्रिंट करवा लेता हूँ एक बार नेम को। पाइथन स्लैशिंग डॉट पी वाई आ गया राजेश। तो चलिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ ना कि यहाँ से मैं स्लैशिंग करवाता हूँ अब। तो स्लैशिंग करवाने से पहले मैं उससे क्या करता हूँ, स्लैशिंग का इंडेक्स आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो उन्हें इंडेक्स या सिंटेक्स दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो काम करता है। स्लैशिंग कुछ इस तरीके से स्लैशिंग काम करता है। जैसे कि स्लैशिंग में भी वही इंडेक्स का साइन ही यूज होता है। ये होता है, इसका मतलब है कि इंडेक्स है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि टू थ्री नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा ना कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंडिंग पॉइंट होगा कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे इतना ज़्यादा कैरेक्टर यहाँ पे है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है या आपको यहाँ से करना है या आपको यहाँ से करना है, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। तो इसका मतलब क्या है कि एक आपका पास होगा स्टार्टिंग पॉइंट, समझ आ गया ना। एक होगा स्टार्टिंग पोजीशन और एक होगा कि आपको कहाँ तक जाना है। जैसे कि मुझे आर से शुरू करना है, मुझे राज जे तक ही जाना है क्योंकि मेरा नाम तो यही है ना राज, तो मुझे आर से शुरू करना है और जे तक ही जाना है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आपको एंडिंग पॉइंट दोनों चाहिए, है कि नहीं है? आपको स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन आपको दोनों चाहिए। तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग लिखेंगे और यहाँ पे देखेंगे ये कॉलम साइन, उसको में लिखेंगे एंडिंग पॉइंट। लेकिन एक बात ध्यान रखें, एंडिंग पॉइंट हमेशा जितना एंडिंग आप लिखेंगे उससे में इसे एक माइनस हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एंडिंग पॉइंट फाइव, तो फाइव से एक माइनस हो जाएगा हमेशा, यानी कि फोर तक ही जाएगा वो। समझ आया आपको? समझ उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, जरूर मुझे समझ आता होगा। तो क्या होता है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे कि आपको यहाँ से स्टार्टिंग करना है यानी कि आपको जीरो से करना है, और कहाँ तक जाना है आपको, राज तक जाना है, यानी राज कितने पोजिशन पर है, कितने पोजिशन पर राज है यहाँ पर, यानी कि जे जो है ना कितने पोजीशन पे है, तो जीरो वन टू पे है ना। अगर आपको टू तक जाना है तो आपको लिखना होगा यहाँ पे थ्री। समझ आ गया बात आपको? आ गया बात समझ? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पेंट कर ली। तो मुझे राज को, ओ भाई क्या हो रहा है, मुझे नेम को ही प्रिंट करवाना है लेकिन इंडेक्स की तरह करवाना है। जब आप यहाँ पर टू लिखेंगे तो क्या होगा, टू लिखने के बाद में कि सिर्फ जीरो वन टू, यानी कि जे प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए जे प्रिंट हो गया, लेकिन मुझे जे नहीं चाहिए, मुझे तीन चाहिए यहाँ से शुरू, यहाँ से हो यहाँ तक जाए, यानी कि ये तीनों प्रिंट हो जाए। उस टाइम पे आप क्या लिखेंगे, ए वाला सिंटेक्स यूज करेंगे कि स्टार्ट कहाँ से करना है मुझे। तो
मुझे स्टार्ट करना है यहाँ से, यानी कि जीरो से करना है। इसका मतलब मुझे स्टार्ट करना है जीरो से। अब ये साइन हो गया, सेपरेट कर रहा है दोनों को, स्टार्टिंग और एंडिंग को ये सेपरेट करता है। अब इंड कहाँ पे मुझे करना है, कितने पोजीशन पे इंड करना है देखते हैं एक बार। जीरो वन हो गया ये, और ये हो गया टू, यानी कि मुझे टू पे इंड करना है ना, मुझे इतना ही प्रिंट करवाना है, जीरो वन टू। अगर आपको टू पे प्रिंट करवाना इंड करवाना है तो आपको लिखना होगा यहाँ पे थ्री। ध्यान में आया ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला था आपको कि एक माइनस हो जाता है। तो एक बार यहाँ पे रन करके दिखाते हैं आपको, देखिए राज प्रिंट हो गया, वाओ मेरा नाम आ गया। तो शायद आपका भी नाम आ जाएगा, आप चिंता ना करें। आप वीडियो को पहले एक बार ना देख लें, आप पूरे बाकायदे से देखें, और सेकेंड बार आप ट्राई करें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग से ज़्यादा ना आपको लॉजिक समझना चाहिए। इसलिए मैं हर वीडियो को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, लेकिन बहुत स्टैंडर्ड तरीके से या बहुत सलो तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आ जाए। अगर नहीं आता है शायद मेरे अंदर कोई कमी है कि मैं आपको समझा नहीं पाता, तो कोई नहीं, चलिए हम मैं और कोशिश करूँगा कि आपको समझ आए। तो चलिए ये हो गया कि मुझे जीरो से शुरू कर दिया, यानी कि पोजीशन जीरो से शुरू हो रहा है। यहाँ से कहाँ तक जा रहा है, थ्री तक। थ्री का मतलब कहाँ तक जाएगा, ये सिर्फ टू तक ही जाएगा, तो जीरो वन और टू, यानी कि जे तक जाएगा ना, तो जो चला जाए यहाँ से यहाँ तक ये प्रिंट हो गया। अगर क्या बात हो कि मैं यहाँ से टू से शुरू करूँ और मैं जाऊँ फाइव तक या फोर तक, तो अब क्या होगा, टू से शुरू होगा जाएगा कहाँ तक, फोर। फोर तक नहीं जाएगा भाई, जाएगा सिर्फ थ्री तक। समझते हैं, जीरो वन टू यहाँ से शुरू होगा, कहाँ से जाएगा थ्री, यानी कि यहाँ तक ही जाएगा। यानी कि टोटल प्रिंट कितना हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा सिर्फ जे और ई करके, देखते हैं एक बार, जे और ई हो गया। समझ आ गया ना आपको बात, मुझे उम्मीद है आपको समझ आता होगा। अगर क्या बात है कि मैं स्टार्टिंग भी इंड करूँ, स्टार्ट करूँ और एंडिंग भी दोनों यूज़ करूँ, लेकिन मेरा सारा प्रिंट हो जाए, उस टाइम पे क्या करना कि आपको स्टार्टिंग का कोई वैल्यू नहीं देना है और एंडिंग का भी कोई वैल्यू नहीं देना है, सिर्फ इस तरह ऐसे लिख देना है। समझ आ गया आपको कि स्टार्टिंग भी मतलब जहाँ से है वहीं से शुरू कर दे भाई, जहाँ से है वहीं से शुरू कर दे, और एंडिंग जहाँ तक जाना चाहिए था वहाँ तक चला जा, कोई मतलब नहीं हमें, मुझे छोड़ खाए तुझे नहीं करना है, मुझे सारा एलिमेंट चाहिए वहाँ से। तो इस टाइम पे क्या करेगा, सारा प्रिंट करवा करके आपको दे देगा, ये देखिए पूरा करके दे देगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसे लिखने का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन अर्थ है। आप जब हम स्टेप आर्गुमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये लिखना पड़ेगा आपको। अभी आप नहीं समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्यों हम लिखें, अभी आप अगर मान लो आपको पूरा प्रिंट करवाना है तो जब हम स्टेप आर्गुमेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि स्टेप आर्गुमेंट में ये जहिए ही स्लैशिंग वाला स्टाइल। अब मुझे उम्मीद है आपको समझ आता होगा कि किस तरीके से करना है। चलिए मैं यहाँ पर करता हूँ यार कि टू से शुरू हो जाए और चला जाए यहाँ पर फाइव तक। अब देखिए कहाँ तक जाएगा, टू से शुरू तो होता है लेकिन जाता कहाँ तक है, सिर्फ फोर तक जाएगा ये। तो देखिए जीरो वन टू, यानी कि जैसे शुरू होगा जैसे है ना, थ्री फोर तक जाएगा, यानी कि पूरा प्रिंट जो होगा होगा सिर्फ जैस। मेरे नाम का तो तोड़ मोड़ हो जा रहा है यहाँ पे, देखिए जैस हो गया। अगर क्या बात है कि मैं यहाँ पे फिफ्टी लिख दूँ, अब क्या होने वाला है, इसका मतलब क्या है कि अब टू से भाई शुरू कर दे, यानी कि जीरो वन टू से यहाँ से शुरू कर दे, लेकिन चला जाए फिफ्टीन तक, यानी कि वन टू थ्री, या नहीं यार वन टू नहीं, टू से टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और चला जाए ना, लेकिन कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है, तो क्या करेगा ये पूरा यहाँ से जो इतना है ना सबको प्रिंट कर देगा। इससे बाद में कोई है ही नहीं तो प्रिंट करने का कोई उसका सवाल पैदा होता ही नहीं है, तो सिर्फ प्रिंट हो जाएगा जेस। देख लेते हैं, ये देखिए जेस हो गया, क्योंकि ये जो एंडिंग पॉइंट है ना ये इससे बहुत आगे है, तो क्या करेगा यहाँ से शुरू होगा, जब तक ये पंद्रह नहीं मिलेगा जब तक वो प्रिंट करता ही जाएगा, तो इससे बाद में कुछ है ही नहीं तो प्रिंट कहाँ से करे। इसका मतलब क्या है कि जो जहाँ तक मतलब इसे एलिमेंट मिलेगा वहाँ तक प्रिंट कर देगा, उसके बाद में जो नहीं मिलेगा उसको छोड़ देगा, खाली कर देगा, उससे कोई मतलब नहीं है उसे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा, अगर पसंद नहीं आया है तो वहाँ पर एक डिसलाइक का बटन होगा ना, वहाँ पर ज़रूर एक बार इसे क्लिक कर दें, यानी कि डिसलाइक हो जाए। और मैं आपको कोई प्रोग्रामिंग नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ लॉजिक समझा रहा हूँ कि किस तरीके से
लॉजिक काम करता है। मैं आपको जब लाइफ मेरे कंपनी के लिए मैं प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, वहाँ पे मैं आपको लाइफ सिखाऊंगा कि किस तरीके से सारा मैं बना के एक ऐप बना सकते हैं, एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, और वो पूरा प्रोफेशनली होगा। उस दिन शायद मैं लाइफ हो के आपको समझाऊं, क्योंकि 2-3 घंटे से ज़्यादा लगता है उसमें, और लग सकता है। तो टाइम डिवाइड कर करके लाइफ हो के समझाऊंगा आपको, और टाइम बता के, तो शायद आपको और ज़्यादा समझ आए। आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं उसी टाइम पे, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में छोड़ दें, मैं आपको ज़रूर कंटेक्ट करूँगा। कमेंट में आप अपना ईमेल भी छोड़ सकते हैं, अपना आपसे मैं कैसे कंटेक्ट कर सकता हूँ आप छोड़ सकते हैं, या मेरा कंटेक्ट जो है आप मुझे फेसबुक में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत लोग हैं, सारे अफ्रीकन हैं, पता नहीं कौन कौन सा कंट्री के सारे बहुत लोग हैं वहाँ पे, नाइजेरियन कहाँ कहाँ के हैं, वो लोग इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ते हैं। आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, अगर आपको कोई थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बिना कोई प्रॉब्लम आप मुझे 24 आवर्स मिस कर सकते हैं। मैं जब भी अगर सो रहा हूँ तो नहीं, सोने के अलावा मैं आपको जब भी मैं फेसबुक चलाता हूँ तो आपको मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, क्योंकि मेरा चाहना कि आप पढ़ाई करें, मेरा वीडियो लाइक करें, लाइक शेयर करें या सब्सक्राइब करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी ना करें लेकिन आप पढ़ाई करें, आपको सिर्फ पढ़ना है। यहाँ इस वीडियो से आपको अगर कुछ चीज़ नहीं मिल रही है तो आप मुझे कमेंट करें, बताएं, मैं आपको अच्छे से प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर फिर भी क्या होता है कि अगर फिर भी मैं नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ तो आप और कहीं से पढ़ लें, बुक ले लें, आपका जैसा हो आप वैसे पढ़ें, लेकिन आप पढ़ाई करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेटून, गुड बाय।